नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 13 अप्रैल, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के सभी जिलों में सुखाड़ क्षेत्र होंगे चिन्हित। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होगा 10,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति। बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा डेट शीट और एडमिट कार्ड जारी। बीजेपी जेडीयू के बाद आरजेडी भी मनाएगा अंबेडकर जयंती। दूध उत्पादन में राष्ट्रीय औसत से आगे बिहार। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। गेल गैस लिमिटेड के 120 पदों पर आवेदन करने की तिथि बढ़ी आगे। गेल गैस लिमिटेड के द्वारा सीनियर एसोसिएट और जूनियर एसोसिएट 120 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हर पद के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आयु सीमा समेत अनेक क्राइटेरिया अलग अलग रखे गए हैं। ऐसे में युवाओं को बताया जाता है कि वे नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़ ले। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट gailgas.com पर जाकर 17 अप्रैल 2023 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बता दें कि पहले आवेदन करने की तारीख 10 अप्रैल तक निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 17 अप्रैल कर दी गई है। राज्य के सभी जिलों में सुखाड़ क्षेत्र होंगे चिन्हित। अप्रैल के महीने की शुरुआत में ही राज्य में गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा सभी राज्य के सभी जिलों में जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित महामारी कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि वे सुखाड़ से होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों को पहले के अनुभव के आधार पर चिन्हित कर ले, ताकि ऐसे क्षेत्र में कहीं भी सुखाड़ से बीमारी होती है तो बिना देरी किए उसके बचाव और इलाज का काम शुरू किया जा सके। बता दें कि इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अपर मुख्य सचिव के द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति को दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में गठित की गई महामारी कमेटी में जिन पदाधिकारी को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, उनमें उप विकास आयुक्त, आरक्षी अधीक्षक, सिविल सर्जन, आपूर्ति विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के पदाधिकारी को शामिल किया गया है। बिहारी बोधगया में आज हम बात करेंगे एन मंडल के बारे में। एन मंडल का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। यह भारतीय फिल्म और टेलीविजन उद्योग में एक भारतीय निर्देशक, संपादक और निर्माता है। बता दें कि एन मंडल लोग 2018 में आई आस्था के पर्व छठ, 2019 में आई डार्क नाइट और 2019 में ही आई मुक्ति अभिषेक से के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा ये सिनसिन फिल्म फेस्टिवल के संस्थापक और निदेशक भी हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एन मंडल एक प्रोडक्शन कंपनी भी चलाते हैं, जिसका नाम सिवाय प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड है। इसके अलावा यह आनंद फिल्म प्रोडक्शन हाउस के भी मालिक है। इनकी रुचि सोशल वर्क में भी है। इन्होंने कई टीवी शो में पोस्ट प्रोडक्शन का काम किया है, जिनमें बहुरानिया, जीवन साथी, लागी, तुस्से लगन समेत कई नाम शामिल है। इन्होंने अभिनेता, निर्देशक के रूप में क्षेत्रीय मैथिली फीचर फिल्म में भी अपना योगदान दिया है। राज्य के सरकारी स्कूलों में इस दिन तक बंटेंगी पाठ्य पुस्तकें। बीते मंगलवार से राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के बच्चों को पाठ्य पुस्तक देने की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। हालांकि पूरे राज्य में पुस्तक देने का काम 15 मई तक पूरा किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा कहा गया है कि राज्य के हर सरकारी स्कूलों में बच्चों को किताबें देने का काम 15 मई तक हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य में ऐसा 5 वर्ष बाद हो रहा है कि बच्चों को किताबें दी जा रही हैं। दरअसल 2018 से राज्य सरकार के द्वारा बच्चों को किताबें के बदले उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने की शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन इसका परिणाम खराब आया, जिसके बाद एक बार फिर से पुराने नियम को लागू करते हुए पैसे के बदले बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में होगा 10,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य में भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन के लिए 10,000 से भी ज्यादा नियुक्तियां की जाएंगी। बता दें कि उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस नियुक्ति प्रक्रिया में हिस्सा लेने और परीक्षा में आवेदन करने की तारीख की शुरुआत 13 अप्रैल से होगी। वहीं आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 मई तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा आवेदन पत्र में सुधार करने के लिए 18 मई से लेकर 20 मई तक का समय दिया जाएगा। अगर आप इसके बारे में अन्य जानकारी हासिल करना चाहते हैं या और भी विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप आधिकारिक वेबसाइट bcecebord.bihar.gov.in पर जाकर सभी जानकारी हासिल कर सकते हैं।
ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा हैशटैग शिक्षक नियमावली वापस लो। बिहार सरकार के द्वारा सोमवार को मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर नए नियमावली पर मुहर लगाया गया था। वहीं इस नियमावली को लेकर राज्य में लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन ट्विटर पर लगातार हैशटैग शिक्षक नियमावली वापस लो ट्रेंड कर रहा था। वहीं इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए उत्तर नियोजित शिक्षक संघ के प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे के द्वारा ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि न ट्रांसफर की कोई नीति रही, न MACP की कोई नीति रही, न नियोजन इकाई से मुक्ति हुई, न सेवा निरंतरता और न ही वेतन संरक्षण का लाभ। जारी बिहार के नियोजित शिक्षक तेरा भाग्य ही खराब है, क्योंकि बिहार में चाचा भतीजा का जो सरकार है। बता दें कि बीते दिन भी बिहार की राजधानी पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए लॉन्च होगा ऐप। बिहार के वैसे खिलाड़ी जिन्होंने खेल में मेडल जीता है उन्हें नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत जल्द ही एक ऐप को लॉन्च किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किए गए घोषणा के बाद इस ऐप को धरातल पर उतारने के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि इस बारे में विभाग की प्रधान सचिव वंदना प्रेयसी का कहना है कि इस ऐप को बहुत जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। खेल को बढ़ावा मिल सके इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि मेडल लाओ और नौकरी पाओ। उनके द्वारा किए गए घोषणा के बाद इस काम पर लगातार विभाग के द्वारा काम किया जा रहा है और बहुत जल्द ही इसे धरातल पर भी उतार दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ऐप के जरिए खिलाड़ी अपनी सारी जानकारी इसमें डालेंगे, जिसकी मदद से उन्हें नौकरी लेने में सहूलियत मिलेगी। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे भागलपुर का संग्रहालय के बारे में। हमारी संस्कृति की ऐतिहासिक विरासत को संजोए हुए इस संग्रहालय में 3000 वर्ष पुरानी पांडुलिपियां रखी गई है। इतना ही नहीं, यहां मुगल कालीन प्राचीन समय के कलाकृतियां, आर्ट गैलरी, सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और विभिन्न जीव जंतुओं की मूर्तियां मौजूद है। ये सभी चीज बिहार के कोने कोने से खोज कर इस म्यूजियम में रखा गया है। यदि आप भारत के पुराने इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं तो एक बार आपको भागलपुर के इस म्यूजियम में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहां आपको उस जमाने की कई चीजें देखने को मिल जाएंगे। 11 नवंबर 1976 को अस्तित्व में आया भागलपुर संग्रहालय कलाकृतियों और पुरातात्विक अवशेषों के संग्रह के साथ भागलपुर में एक दर्शनीय स्थल है। दूध उत्पादन में राष्ट्रीय औसत से आगे बिहार। बिहार के ग्रामीण व शहरी इलाकों में दूध उत्पादन से दूध बिक्री के आंकड़े का मिलान करने पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि बिहार में प्रतिदिन एक व्यक्ति 400 ग्राम दूध पी रहा है। वहीं वर्ष 2006 में यह आंकड़ा 154 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन था। यानी कि इन 17 वर्षों के बीच का अंतर देखें तो अब 246 ग्राम अधिक दूध का सेवन बिहार का प्रति व्यक्ति कर रहा है। वहीं अगर देश के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध पीने के आंकड़े को देखें तो 2021 तक देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 407 ग्राम दूध पी रहा था, तो अब 444 ग्राम हो गया है। यानी कि 2021 की तुलना में आज के समय में देश में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध के सेवन में 44 ग्राम की वृद्धि आई है। इसके साथ ही बिहार अब दूध उत्पादन में भी राष्ट्रीय औसत से आगे निकल गया है। बता दें कि देश में दूध उत्पादन को राष्ट्रीय औसत 5.328% है, जबकि बिहार में दूध उत्पादन का राष्ट्रीय प्रतिशत 7.3% है। इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए बिहार के 45 छात्र चयनित। बिहार के स्कूलों में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे 45 छात्रों का चयन भारतीय अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए किया गया है। बता दें कि इन 45 चयनित किए गए छात्रों को इसरो की ओर से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर बुनियादी ज्ञान के लिए 15 से 26 मई तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस प्रशिक्षण के लिए छात्रों को इसरो के देश भर के विभिन्न 7 केंद्रों पर भेजा जाएगा। वहीं अगर हम इस युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के लिए चयन किए गए पूरे देश के बच्चों की बातें करें तो पूरे देश से इस कार्यक्रम के लिए कुल 350 छात्रों को चुना गया है। बता दें कि इन सभी चयनित बच्चों को 15 दिनों तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। मालूम हो कि इस कार्यक्रम की शुरुआत इसरो के द्वारा इसलिए की गई थी ताकि बच्चों में अंतरिक्ष के प्रौद्योगिकी के रूप प्रति रुचि बढ़े और उन्हें बुनियादी ज्ञान मिल सके। बीजेपी जेडीयू के बाद आरजेडी भी मनाएगा अंबेडकर जयंती। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद के द्वारा बीते दिन बुधवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है कि आगामी 14 अप्रैल को आरजेडी की ओर से राज्य के सभी प्रखंडों के मुख्यालय में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की तैयारी को लेकर पार्टी स्तर से सभी जिला अध्यक्ष को राज्य कार्यालय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वे बाबा साहेब की जीवनी, उनके योगदान, उनके विचार को बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें और इसे सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार करें।
हुई। उन्होंने कहा कि आज के समय में केंद्र सरकार के द्वारा बाबा साहेब के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बताकर समाज में नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। देश के गरीब, शोषित, वंचित को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो चिंता की बात है। इसलिए हमें इसके खिलाफ सजग होना होगा। हमें एकजुट होकर वैसी शक्तियों को जवाब देना होगा जो देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और नफरत के सहारे नौजवानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक में दिन दहाड़े 40 लाख की लूट। इन दिनों अपराधी बेखौफ होकर अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला पूर्वी चंपारण का है, जहां बीते दिन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में अपराधियों के द्वारा आईसीआईसीआई बैंक को अपना निशाना बनाते हुए दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे दिया गया। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन 5 हथियारबंद अपराधी के द्वारा बैंक में घुसकर 40 लाख रुपए की लूट की गई और फिर वे फरार हो गए। मालूम हो कि बैंक से 40 लाख लूट की यह घटना पूर्वी चंपारण जिले में स्थित एक छोटा शहर चकिया का बताया जा रहा है। हालांकि लूट के बाद इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। वही इस घटना के बाद लोगों में और इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा डेट सीट और एडमिट कार्ड जारी। अगर आप भी बिहार बोर्ड 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 देने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल बीते दिन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं कंपार्टमेंटल परीक्षा 2023 का डेट सीट और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। बता दें कि जारी की गई डेट सीट के अनुसार परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी, जिसमें पहली पाली की परीक्षा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक निर्धारित किया गया है, तो वही दूसरी पाली की परीक्षा का समय दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक निर्धारित किया गया है। बता दें कि व्यावहारिक परीक्षा की शुरुआत 20 अप्रैल से होगी, जो कि 22 अप्रैल 2023 तक चलेगी। इसके अलावा बोर्ड की ओर से कंपार्टमेंटल परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया है, उसे छात्र बिहार बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट seniorsecondary.biharboardonline.com पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगले 2 दिनों तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। बिहार में गर्मी का सितम अब लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश में तापमान अब 40 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। स्थिति यह है कि न्यूनतम तापमान भी 21 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। भारतीय मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार पटना में अब तेजी से गर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तेज गर्मी के कारण अब इसका असर जनजीवन पर पड़ने वाला है। अब तो स्थिति यह हो गई है कि दोपहर में सड़कें सुनसान होने लगी हैं। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 1-2 दिन में तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पटना मौसम केंद्र की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार 14-15 अप्रैल से लू चलने की आशंका जताई गई है। विभाग की माने तो पछुआ हवा के कारण प्रदेश में गर्मी तेज पड़ने की संभावना जताई जा रही है। प्रारंभिक पूर्वानुमान के अनुसार बिहार के किसी क्षेत्र में सामान्य या इससे अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है। भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले इन अधिकारियों को नहीं मिली राहत। बिहार सरकार में 2 IPS अधिकारियों को चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले मामले में कोई राहत नहीं मिली है। बता दें गया के तत्कालीन SSP और फरार चल रहे IPS अधिकारी आदित्य कुमार को 180 दिनों के लिए निलंबित किया गया है। साथ ही साथ निलंबित IPS अधिकारी दयाशंकर को भी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में कोई राहत नहीं मिली है। मिली जानकारी के अनुसार इन्हें भी पूरे 180 दिनों के लिए निलंबित किया जा चुका है। बिहार के स्कूलों में 50,000 से ज्यादा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की होगी नियुक्ति। बहुत जल्द ही राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 50,000 से ज्यादा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से पद सृजित करने का काम किया जा रहा है। मालूम हो कि इसकी मंजूरी के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक प्रस्ताव भी तैयार किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस नियुक्ति को लेकर शिक्षा विभाग विभिन्न स्टेज में है। वहीं अगर शिक्षा मंत्री की बात पर गौर करें तो उन्होंने अपने बयान में कहा था कि प्रदेश के स्कूलों में करीब 50,000 की नियुक्ति की जाएगी। बता दें कि नियुक्ति किए जाने वाले में अगर पद और उसकी संख्या की बात करें तो 3 पदों में नियुक्ति की जाएगी, जिनमें प्रयोगशाला सहायक के 28,000 पद, लाइब्रेरियन के 7,519 पद और विद्यालय परिचारी के 12,842 पद शामिल हैं। लालू यादव की बेटी रागनी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए किया तलब। जमीन के बदले नौकरी मामले को लेकर लालू परिवार की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि इस मामले को लेकर दिन प्रतिदिन उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि अब इस मामले को लेकर ईडी के द्वारा राज्य सुप्रीमो लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, मिशा भारती और तेजस्वी यादव के बाद पूछताछ के लिए लालू यादव की चौथी बेटी रागनी यादव को तलब किया गया। मालूम हो कि बीते दिन यानी कि बुधवार को रागनी यादव पूछताछ के लिए ईडी हेडक्वार्टर पहुंची तो उस दौरान उनके साथ उनके पति भी मौजूद रहे। हालांकि हेडक्वार्टर के गेट के पास छोड़कर उनके पति निकल गए थे। बता दें कि इस केस में लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मिशा भारती से भी 25 मार्च को पूछताछ की गई थी।
तेजस्वी की बिटिया से मिले सीएम नीतीश। इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर है। ऐसे में बीते दिन सीएम नीतीश ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बिटिया से भी मुलाकात की। उन्होंने उसे गोद से उठाकर खूब लाड़ दुलार किया। बता दें कि इस दौरान उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। वहीं सीएम नीतीश के दोनों ओर तेजस्वी यादव और तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव रही, जो काफी खुश नजर आ रहे थे। बता दें कि इस बात की जानकारी खुद तेजस्वी यादव के द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके दी गई है। मालूम हो कि तेजस्वी यादव ने कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है कि अभिभावक आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सुपुत्री कात्यायनी को अपना आशीर्वाद और प्यार दिया। वहीं शेयर की गई इस तस्वीर में नीतीश कुमार कात्यायनी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं और उनके दोनों तेजस्वी और राजश्री खड़े हैं। इस दौरान सीएम नीतीश काफी खुश नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने लालू यादव पर कसा तीखा तंज। बीते दिन देश के प्रधानमंत्री के द्वारा बिना किसी का नाम लिए हुए राजद सुप्रीमो और जमीन के बदले नौकरी मामले में दोषी लालू यादव पर तीखा तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि देश को एक बड़ा रेल नेटवर्क मिला था, लेकिन उस पर हमेशा एक राजनीतिक स्वार्थ हावी रहा। उन्होंने कहा कि उस दौरान स्वार्थ देखकर यह निर्णय लिया जाता था कि कौन सी ट्रेन चलेगी। हालत यह थी कि रेलवे की भर्तियों में भी भ्रष्टाचार होता था। गरीब लोगों की जमीन को लेकर उन्हें नौकरी का झांसा दिया जाता था, लेकिन जब देश के लोगों ने स्थिर सरकार बनाई तब जाकर बदलाव आना शुरू हुआ और आज हर भारतीय रेलवे का कायाकल्प होते देख गर्व से भर गया है। उन्होंने कहा कि यह देश के लिए बेहद दुर्भाग्य है कि रेलवे जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था जो सामान्य मानव के लिए जीवन का इतना बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसे भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया था। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। लाल किले का 1648 में निर्माण पूरा हुआ। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। भारत में 1939 में अंग्रेजों के साथ हथियारबंद संघर्ष के लिए इंडियन रेड आर्मी का गठन हुआ। सन 1952 में स्वतंत्र भारत की पहली संसद का सत्र शुरू हुआ। देश का पहला ध्वजवाहक जहाज INS 1978 में दिल्ली सेवा मुक्त हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1984 में शारजाह में पाकिस्तान को 58 रनों से हराकर पहली बार एशिया कप जीता। नई दिल्ली में 1994 में स्किप का स्वर्ण जयंती सत्र संपन्न हुआ। राज दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स चुनी गई। विश्वनाथ आनंद 2005 में चौथी बार विश्व शतरंज चैंपियन बने। भारत की पहली फिल्म श्री पुंडलिक का निर्माता फिल्मकार दादा साहेब तोड़ने का जन्म 1890 को हुआ। आज के दिन को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस और खालसा पंथ स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालकों में आज हम बात करेंगे मेगा टेक्सटाइल पार्कों के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मेगा टेक्सटाइल पार्कों के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि तेलंगाना टुडे दावा करता है कि टेक्स्ट मीन इंडिया पीएम मित्रा योजना के तहत स्थापित किए जाने वाले 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की सूची से तेलंगाना को बाहर कर दिया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि दावा झूठा है। वरंगल तेलंगाना मेगा टेक्सटाइल के लिए चुनी गई 7 साइटों में से एक है। रोमांचक मैच में राजस्थान ने चेन्नई को 3 रन से हराया। बीते दिन आईपीएल के 16वें सीजन के 17वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के द्वारा 3 रन से चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी गई। बता दें कि इस जीत के साथ ही राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में सबसे पहले नंबर यानी कि शीर्ष पर पहुंच गई है। मालूम हो कि बीते दिन हुए इस मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर कुल 175 रन बनाए, जिसका पीछा करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के द्वारा 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 172 रन ही बनाया जा सका और इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स ने जीत अपने नाम कर ली। बता दें कि अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स वर्तमान में 5वीं नंबर पर कायम है। व्हाट्सएप आपको देगा अपनी गलती सुधारने का मौका। व्हाट्सएप की एक्टिविटी पर नजर रखने वाली वेबसाइट WA Beta Info के अनुसार व्हाट्सएप के डेवलपर्स एक नए फीचर पर काम कर रहे हैं, जो यूजर्स को मैसेज को एडिट करने की सुविधा देगा। रिपोर्ट से पता चला है कि ऐप अब भेजे गए मैसेज में गलती होने पर उसे एडिट करने की क्षमता लाने पर काम कर रहा है, लेकिन आपको यह एडिट समय सीमा के अंदर करना होगा। बता दें कि यह टाइम लिमिट 15 मिनट का होगा। अभी एक व्हाट्सएप गलती से भेजे गए मैसेज को रिमूव करने के लिए डिलीट फॉर एवरीवन का विकल्प देता है। इस फीचर के साथ गलती से भेजा गया मैसेज सेंडर और रिसीवर दोनों के पास डिलीट हो जाता है। हालांकि ये नया फीचर डिलीट फॉर एवरीवन फीचर से एक कदम आगे है। नया फीचर तब काम आएगा जब कोई पूरे मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहता हो, बल्कि सिर्फ कुछ शब्दों को एडिट करना चाहता हो। फिल्मों की शूटिंग के दौरान घायल हुए संजय दत्त।
बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त अपने फिल्म पैन इंडिया कन्नड़ फिल्म केडी की शूटिंग के दौरान घायल हो गए। बता दें कि इस बात की जानकारी बीते दिन बुधवार को मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार सामने आई है। इस दौरान संजय दत्त की कोहनी, हाथ और चेहरे पर चोटें आई है। हालांकि अब तक इस घटना को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं इस घटना के घटित होने के बाद फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था। फिलहाल वे अपनी चोट से उबर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस फिल्म में संजय दत्त की भूमिका एक खलनायक की है। मालूम हो कि यह फिल्म केवीएन बैनर के तहत निर्मित है और इसको निर्देशित प्रेम द्वारा किया गया है। इस फिल्म में एक प्रमुख भूमिका के रूप में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी नजर आएंगी। सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए सुशील मोदी ने कह दी ये बात। नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तंज कसा है। तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि मेरे हुए घोड़े पर आप कितना भी चाबुक मारेंगे कुछ हासिल नहीं होगा। नीतीश कुमार लाख कोशिश कर ले, लेकिन वह नरेंद्र मोदी को 2024 में तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक पाएंगे। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि फोटो खिंचवा लेने और साथ में चाय पी लेने से जनता का भरोसा नहीं बढ़ता है। मोदी सरकार पर देश की जनता भरोसा करती है। साथ ही साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी के लोकप्रियता को चरम पर बताया। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है सनी सहनी, राहुल कुमार, पंकज कुमार दास, मृत्युंजय कुमार, संजय कुमार, प्रमोद राम, मधुलता, धर्मेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार यादव, सुनील कुमार चौरसिया, सुता रॉय, नुनु गोलू कुमार, रविशंकर, रवि कुमार राम, बिट्टू कुमार राज। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता बीजेपी पर कितना असर डाल सकती है। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।